In this lecture, I discuss Coulomb's law. It is very important because it is a base of electrostatics. The definition of Coulomb's law: if two point charges separated at some distance at rest, then force of attraction between the charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to square of separation between them. According to this, if two point charges Q1 and Q2 are situated r distance apart, then Q1 applied a force on Q2 and Q2 applied a force on Q1 in an equal amount. F12 have an equal of magnitude F21, but opposite in direction. Then F is directly proportional to Q1 and Q2, the magnitude of Q1 and magnitude of Q2. And F is inversely proportional to square of separation between them. जब हम इस proportionality को हटाएंगे तो proportionality को हटाने के बाद एक constant आएगा. Such a constant is known as electrostatics constant. इसमें हम लोग 4 और pi को अच्छे से जानते हैं. एक नई quantity involve हुई है जिसे हम लोग permittivity of air बोलते हैं. इसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10^-12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है. यहां जो परमिटिविटी है ये इलेक्ट्रिक फोर्स को एफर्ट करती है. जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी दोनों चार्ज के बीच के मीडियम में, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी दोनों चार्ज के बीच में उतना कम फोर्स लगेगा दोनों चार्जों के बीच में. इट इज इनवर्सली डिपेंडेंसी. नाउ इस पूरी वैल्यू को 1/4πε0 को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट कहते हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है. इसे हम 1/4πε0 की जगह के का भी यूज कर सकते हैं, वेयर के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट. देन फार्मूला एफ इक्वल्स टू के मॉड ऑफ Q1 mod of Q2 upon R square. Force is a vector quantity, but force के केस में हम केवल उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं. तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि दोनों चार्जेस को उसके साइन के साथ ना रखकर केवल उसकी वैल्यू पुट करते हैं. साथ ही डिस्टेंस ऑल्सो स्केलर है, तो ये पूरी वैल्यू स्केलर है, इसलिए केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो रहा है. इसका एक और फॉर्म है जिसे हम वेक्टर फॉर्म कहते हैं. आगे हम इसके वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करेंगे, तो चलते देखते हैं वेक्टर फॉर्म इसका कैसा होगा. वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं. सबसे पहले आप एक कार्टेशियन सिस्टम ले लीजिए. पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने के लिए फिर दो पॉइंट डिस्कस किए हमने, Q1 और Q2.
position vector of q1 r1, position vector of q2 r2, और अगर हम ये लेते हैं तो ये r12 from 1 to 2, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा और दोनों के फोर्सेस इक्वल होंगे। अगर हम इसका वेक्टर सम देखें तो एक वेक्टर ये हुआ और दूसरा वेक्टर ये हुआ और ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर हुआ, तब r1 प्लस r12 इज इक्वल टू r2, बिकॉज एक वेक्टर है आपका r1, दूसरा वेक्टर है आपका r12 और इसका रिजल्टेंट वेक्टर है r2। तो इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। देन r21 इज इक्वल टू r2 माइनस r1। अब इसके लिए परेशान नहीं होना है, अगर हम इधर जा रहे हैं तो 2 माइनस 1 कर देंगे और अगर हम इधर आ रहे होंगे तो 1 माइनस 2 कर देंगे। अब इसका जो स्केलर वेक्टर फॉर्म होगा वो 1/4πε0 q1 q2 r2। लेकिन ये केवल मैग्नीट्यूड है इसलिए इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। अब क्या होगा, f 1/4πε0 q1 q2 r2 वेक्टर r/r f इज इक्वल टू 1/4πε0 मॉड q1 q2 r3 इंटू वेक्टर ऑफ r। f12 इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 r2 माइनस r1 होल क्यूब इंटू r2 माइनस r1। f21 इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 r2 माइनस r1 r1 माइनस r2 r1 माइनस r2 लाइक दिस। इसको लेके ऑलवेज कंफ्यूजन होता है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट से सेकंड पे निकाल रहे हैं तो 2-1 और सेकंड से फर्स्ट पे निकाल रहे हैं तो 1-2। ये डिपेंड करता है कि हम किससे किस पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ था। अगले वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को एक्सप्लेन करेंगे।